नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मिलाऊंगी चंदेरी साड़ी के एक्सपर्ट से। और ये क्या, इनका क्या नाम है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, अपने बारे में ये खुद आपको बताएंगे। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार दीदी। हाँ, तो क्या नाम है आपका? मेरा रामपाल सिंह कोहली है। थोड़ा जोर से बोलिए। रामपाल सिंह कोहली। रामपाल सिंह कोहली कोहली हैं। और आप कहाँ के रहने वाले हो? चंदेरी, नयापुरा चंदेरी का रहने वाला हूँ। अच्छा। वार्ड नंबर 12 अम्बेडकर पार्क जी, पोस्ट चंदेरी, जिला अशोक नगर, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश। और सातों पीढ़ियों से जन्मजात बुनकर हूँ, कोली समाज का हूँ। अच्छा। कबीरपंथी समाज का हूँ। और मेरे घर में सातों पीढ़ियों से साड़ी बुनाई का काम होता है। अच्छा। पहले राजाओं के लिए वो बनाते थे काके साफा। अच्छा। पगड़ियाँ। अच्छा। अब समय परिवर्तन के कारण जी, डेवलपमेंट होने के कारण अब चंदेरी साड़ी, चंदेरी सूट, चंदेरी स्टॉल, चंदेरी टुप दुपट्टे, चंदेरी हैंड वीव्स, सब हैंडलूम वीव्स, चंदेरी थान बनने लगे, चंदेरी साड़ियाँ बनने लगी हैं अब। अच्छा। समय की मांग के अनुसार। तो आप कहाँ का, आप मतलब सिर्फ ये भारत में ही करते हैं या बाहर भी होके हैं? ओनली भारत में। अभी फिलहाल आप भारत में कर रहे हैं। तो क्या कॉस्ट रहती है, मतलब काफी मेहनत मेरे ख्याल से होती है इस काम में? हैंड वीव साड़ी होती है तो कॉस्टली भी होती ये है। ये सारी हैंड वीव साड़ी है, ओरिजिनल हैंडलूम वीव्स होती है सब। तो इसमें धागे वगैरह आप लोग खुद रंगते हैं सब? हाँ, सब कुछ डाई माई हम करते हैं। कच्चा मटेरियल स्थानीय मार्केट से खरीद के लाते हैं। खरीद के लाते हैं, फिर स्थानीय मार्केट वाले व्यापारी पूरी इंडिया से जो भी कच्चा माल यूज होता है, रेशम, कतान, कॉटन जी, सिल्क, पट्टू सिल्क जी, सब हमारे स्थानीय मार्केट में मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है, उसको हम खरीद के खुद डाई करते हैं। अच्छा। तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या वैरायटी आपने यहाँ पे रखी है क्राफ्ट म्यूजियम में, आप क्या क्या लाए हैं चंदेरी में? देखो, ये सबसे पुरानी 200 साल पुरानी साड़ी है। अच्छा। अगर कोई लेना चाहे तो क्या रेट? ये रेट इस समय तो 1250 रूपए है। 1250, ठीक है। पहले ये 75 रूपए से स्टार्ट हुई थी 200 साल पहले। 200 साल पहले 75 रुपीस, 75 रुपए स्टार्ट हुई चंदेरी साड़ी बनना। पहले ये हम बनाते थे जी, और फिर समय के अनुसार फिर चेंजेस आने लगे, जरी पाइपिंग बनाने लगे हैं, दुपट्टे बनाने लगे हैं जी। हाँ जी, अलग अलग। ये क्या है? ये दुपट्टा है। ये दुपट्टा है, ये दुपट्टा काफी खूबसूरत है, काफी बहुत ही प्यारा है। तो ये पूरा हैंड वोवन है ना, हाथ से बनाया हुआ? चरखे, क्या बोलते हैं आप उस मशीन को जिसमें बनता है हाथों से? हैंडलूम कहते हैं उसको ना, है ना? खड्डी से बना हुआ। अच्छा। और इसका बताइए दाम? दाम है 1850 का दाम। 1850, लेकिन वर्थ है क्योंकि आपने हर डिजाइन एक अलग अलग जी 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 अशरफी बूटी है, मीना का अशरफी बूटी, नाम ही इतना खूबसूरत है इसका जी जी। बूटी है और ये भी दुपट्टा इसी रूप दुपट्टा है ये जी। और ये बहुत अच्छा ग्रेसफुल दुपट्टा, काफी सच में काफी ग्रेसफुल है। वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत नाइस। इसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी? इसकी कॉस्ट 4500। 4500 रूपए, बहुत ही ऊपर निर्भर करता है, जैसे जैसे जितना जितना काम डालते जाएंगे उतना उतना इसका रेट बढ़ता चला जाएगा। तो कुछ साड़ी का मुझे आप मतलब खोलिएगा नहीं, आप वैसे बताइए मुझे, कुछ रेट बताइए, कुछ साड़ी की क्या वैरायटी होती है, महंगी सस्ती साड़ी? कलेक्शन है। आप खोलिए मत, खोलिए मत, आप मुझे ऐसे दिखाइए प्लीज। हाँ जी। ओहो माय गॉड। तो व्यूअर्स ये देखिए, मैं बयान नहीं कर सकती, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती इस साड़ी को, और टच करके ही मुझे इसकी वैल्यू पता चल रही है। और आप बिलीव कर सकते हैं ये साड़ी ये लोग अपने हाथों से एक एक धागा इसमें बुनते हैं, बुना जाता है। माई गुडनेस, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों ये साड़ी। और इसका तो मुझे साड़ी है और पूरा नक्शी वीव्स है। अच्छा। तो कतान सिल्क में साड़ी है। कतान सिल्क। हाँ। अच्छा। और कॉस्ट तो पूछने में डर लग रहा है, कॉस्ट फिर भी 50,000 के आसपास की साड़ी, तो लोग शादियों में ही लेते होंगे। हाँ। इन साड़ियों को तो, है ना? तो बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। अब एक ऐसी साड़ी बताइए जैसे आम लोग ले सके, जैसे एक नजर जा रही है मेरी उस साड़ी में, एक तो पर्पल रखी, उसके बगल में आपने एक रखी है ब्लू कलर की, ये क्या है? 3500 की साड़ी है ये, दिखाइए जरा मुझे। वाह,
क्या इसकी लंबाई होती होगी साड़ियों की? इसकी हम लंबाई बनाते हैं अब 6.5 मीटर बनाने हैं। 6.5 विद ब्लाउज पीस होता होगा ना? हाँ देख रहे हैं दोस्तों, आप देखिए, मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ साड़ी को। माय गुडनेस, बहुत ही खूबसूरत। और साड़ी में बंगाली डिजाइन डेवलपमेंट, तो इनको बोलेंगे चंदेरी, और बस इनका जो डिजाइनिंग है वो अलग अलग नाम से आप ले रहे हैं, है ना? ये है जी, चंदेरी आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके जगह का नाम चंदेरी है, है ना? प्रॉपर जगह का नाम है, हिस्टोरिकल पैलेस है, हिस्टोरिकल राजा महाराजाओं की नगरी है जी, शिशुपाल की नगरी है जी। हाँ चंदेरी। अच्छा पैलेस है। अच्छा, पुरातत्व नगरी। और यहाँ से अगर चंदेरी पहुँचना हो लोगों को तो कैसे जाएं? यहाँ से बाय ट्रेन से जाते हैं। हाँ, और ललितपुर उतरते हैं, ललितपुर नहीं मिलती तो हम बिना उतरते हैं, मतलब डायरेक्ट चंदेरी तक कोई ट्रेन नहीं है, ट्रेन डायरेक्ट चंदेरी नहीं है। तो वहाँ कैसे पहुँचे फिर? ललितपुर से बस से जाएं वहाँ से। अच्छा, और रहने के लिए होटल्स वगैरह सब अवेलेबल हैं? रहने के लिए होटल है, 3 स्टार होटल भी है, 3 स्टार्स भी है, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से भी होटल है। बहुत अच्छा, ताना बाना करके मध्य प्रदेश पर्यटक जी जी, 5 स्टार होटल चंदेरी के किले के ऊपर बन रही है। अच्छा, किले के ऊपर 5 स्टार होटल भी है। और किला पूरा माने पहले गिर गया था, उसको पूरा नया बनवा दिया। अच्छा, तो एक चीज बताइए ना, जैसे अभी आजकल हम लोग अहिल्या भाई एक सीरियल देख रहे हैं, तो उनका वहाँ कोई रोल है आपकी चंदेरी के साइड में? महल के साइड में कोई मंदिर बनवाया उन्होंने? तो मुझे आपको नहीं नॉलेज है इस बात की? कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ सिंधिया जी बहुत मदद करते हैं। सिंधिया जी की बहुत बहुत बड़ा रोल है उनका। बिल्कुल 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 करते होंगे जी जी जी। विजय सिंह भी, शिवराज सिंह भी बहुत मदद करते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आपके, तो आपके अंडर काफी कारीगर होंगे? हाँ, मेरे परिवार में 60 लोग। परिवार के 60 लोग इस काम में हैं? परिवार के 60 लोग। अच्छा, घर में बुनाई काम घर में ही चलते हैं? घर में ही चलते। तो यंग जनरेशन आ गई, आपके बच्चे लोग आ गए इस काम में? अभी सब पढ़ रहे हैं। खुशी से, मतलब आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि नहीं इस काम को? दीदी ये हमारा पुश्तैनी काम है, बढ़ाना तो पड़ेगा, काम करेंगे ही, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ जाए तो अच्छी बात है जी। लेकिन मेरी एक बड़ी बेटी है सर जी, उसने लिखित में प्रीलिम पास कर लिया है। अरे क्या बात है, तैयारी कर रही है। बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स उस बच्ची को। चंद्रावती कोहली, और दोस्तों उसने IAS की तैयारी कर रही है और प्रेम का उसने क्लियर कर लिया है और इंटरव्यू के लिए। अच्छा, MCA पास कर लिया है और अभी गवर्नमेंट टीचर बन गई। बेटी है कीर्ति और वो गवर्नमेंट टीचर बन चुकी है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए, अपने भारत देश के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाते हुए, इतना खूबसूरत काम करते हुए, पढ़ाई को पूरा महत्व दिया है इन्होंने। और ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों को वो इस काम में नहीं लाए हैं, बच्चे भी पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन साथ में वो कुछ डिफरेंट भी करना चाहते हैं। तो पढ़ लिख के टीचिंग में भी जा रहे हैं, IAS वाले फील्ड में भी जा रहे हैं। चार बेटियां और 3 बेटे हैं आपके? सब ग्रेजुएट हैं आपके बच्चे? छोटा बेटा अभी ITI कर रहा है जी। कितना आप इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां निकाल रहे हैं कि कह नहीं पा रही मैं कुछ भी। ये सब मेरे घर में बनती है। ये आपके घर की जी? डिजाइनिंग करती है। और मेरे पापा, आपके मेरे पापा, पापा भी 85 साल के हैं। क्या नाम है उनके आपके? श्री जय नारायण मुखिया। श्री जय नारायण मुखिया जी, मुखिया जी आपके पिताजी हैं। और 85 ईयर्स अभी भी काम करते हैं। माय गॉड, काम करते हैं पूरा, माने साड़ी की डिजाइनिंग का काम करते हैं। अच्छा, मेरे पिताजी और मेरी मिसेज और मेरा, बहुत बहुत ही आपकी कृपा से मैंने पहले दिल्ली हाट में दुकान लगाई थी, तो मैं एड कस्टमरों की एड्रेस लेता जाता था जी। इस समय मैं जो मेरे कस्टमर की एड्रेस लेता था तो उनको मैं होम टू होम सप्लाई करने लगा, होम टू होम सप्लाई जी जी जी। तो एक बार अगर आपसे संपर्क करना हो, मेरे इस वीडियो के थ्रू लोग आपसे संपर्क करना चाहे, आपको कुछ ऑर्डर्स देना चाहे, तो आप एक बार थोड़ा जोर से अपना फोन नंबर इसमें बोल दीजिए। मेरा नंबर है दीदी, मोबाइल नंबर 70 42 80 99 40। रुकिए, 70 70। हाँ, 70 जी, 42 42 80 80, 7999 99 40 40। तो एक नंबर और है जी, वो व्हाट्सएप नंबर है जी, वो बेटे का है लेकिन वो मेरे बैंक खाते से भी टचिंग है, वो जी 8447 614 613।
ठीक है। तो दोस्तों 4 7 6 1 4 6 1 3 व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है, और मेरे बैंक खाते से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों मैंने इनकी सारी डिटेल्स आप तक पहुंचा दी है, और काम के लिए तो मेरे पास तो खैर शब्द है ही नहीं। इस काम को मैं क्या कहूं, मतलब मैं तारीफ भी करूं तो वो कम पड़ जाएगी। और ये हुनर है, ये सब में नहीं होता है, इसके लिए बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है। आप देखिए ये निकालते जा रहे हैं साड़ियाँ, और ऑल ब्रोकेड वीव साड़ी है ये, और प्राइस पूछने की अब मेरी हिम्मत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आई अंडरस्टैंड ये क्या प्राइस होगा। तो आप देखिए, और प्लीज़ आप अपने लिए साड़ी खरीदिए, मिलिए इनसे, है ना। तो अच्छा ये बताइए, जैसे ये है ना, ये चंदेरी कपड़े पे सूट पीस सारी प्रिंट है, ये सूट पीस है। हाँ सूट पीस है ये। अच्छा इसका क्या कॉस्ट होती है? ये 2000 का है। 2000 का, इसमें दुपट्टा भी होगा? हाँ पूरा 3 पीस है। 3 पीस और है, अजरक प्रिंट में। अजरक, हाँ मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, इंडिको। दोस्तों इसको बोलते हैं अजरक प्रिंट, और इनके क्या कॉस्ट है? ये 2500 की है। 2500 की, इंडिको 2000 की, इंडिको 2000 की है। तो दोस्तों क्योंकि टोटल हैंड वोवन है, तो इसलिए उसी हिसाब से इसके रेट्स भी होते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कोहली जी का, बहुत बहुत नमस्कार जी। हाँ मैंने जितना हो सकता आपका सब सामान कवर कर लिया है, बिल्कुल जी, हर प्रकार से मैं आपको सपोर्ट देने को तैयार। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपके सारी डिटेल इस वीडियो में डाल दी है, और आपको ऑर्डर्स जरूर आएंगे। ऑल द बेस्ट, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और अब तो आपसे मुलाकात होती रहेगी, है ना। तो चलती हूँ फिलहाल, नमस्कार।